हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देखिए, आज ये हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, अजय किसी काम को कर सकता है 8 दिन में, ठीक है, और बिंदु किसी काम को कर सकता है 12 डेज में, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा फ्रेंड्स? इससे हमें ये पता चलेगा कि इनकी इफिशियंसी कितनी है। तो इफिशियंसी के लिए एलसीएम ले लेंगे, 24 आ जाएगा। 8 3 जा होता 24, 12 2 जा होता 24, ठीक है। 3 और 2 की इनफिशियंसी आ गई, मतलब एक दिन का काम इनका कितना है फ्रेंड्स? एक दिन का काम है इनका 5, और इन्होंने काम कितने दिन किया साथ मिलकर? देखिए, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, यानी कि 4 दिन इन्होंने मिलकर काम किया। 4 दिन इनका काम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 20 हो जाएगा। भाई, काम तो 24 था, और काम 24 था, और इन्होंने काम कितना कर दिया फ्रेंड्स? मिलकर 20 काम निपटा दिया, यानी कि बचा हुआ काम कितना है? 4 का काम है। अच्छा, देन रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय कैरी। कैरी ने इस काम को करा, बचे हुए काम को, और कितने दिन में किया? 3 दिन में। देखिए, 3 दिन में किया, यानी कि देखिए, हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? वर्क अपॉन इफिशियंसी। इससे हमें पता चलेगा कि कैरी की इफिशियंसी कितनी है। कैरी की इफिशियंसी कैसे पता चलेगी फ्रेंड्स? देखिए, कैरी की इफिशियंसी हमें कैसे पता चलेगी? यहाँ पे देखिए, टाइम टाइम कितना था यहाँ पे फ्रेंड्स? टाइम कितना था? टाइम था आपके पास 3 दिन का। क्वेश्चन में गिवन है ना कि देन देन रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय कैरी इन 3 डेज, मतलब 3 दिन का काम 3 दिन में कर सकता है वो। वर्क हमें पता है क्या? वर्क कहाँ पता है हमें कि 4 दिन का वर्क है। रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो 4 दिन का बचा है, तो इससे इफिशियंसी नहीं पता चल सकती हमें? बिल्कुल पता चल सकती है। तो कैरी की इफिशियंसी कितनी हो गई? यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा, इफिशियंसी ई ऊपर पहुंच गया, यानी कैरी की इफिशियंसी कितनी हो गई फ्रेंड्स? 4/3। कैरी की इफिशियंसी हो गई फ्रेंड्स 4/3। अब देखिए, इसमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? कैरी अलोन कैन कंप्लीट ए जॉब इन हाउ मेनी डेज? कैरी अकेला जॉब को कितने समय में कर सकता है? 4/3 डेज में। देखिए, तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स? रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। देखिए, रिक्वायर्ड टाइम निकालना ना, हमें क्या निकालना है इसमें? रिक्वायर्ड टाइम निकालना है। रिक्वायर्ड टाइम पता करना है। तो रिक्वायर्ड टाइम कैसे निकलेगा? देखो, 24 है भाई, पूरा काम कितना था आपका? देख लीजिए, पूरा काम कितना था? 24 था आपका पूरा काम, लिख लिया 24, 24, ठीक है। और इफिशियंसी कितनी आई थी कैरी की? कैरी की इफिशियंसी 4/3 थी, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा फ्रेंड्स। 4 की मल्टीप्लाई 6 से करो तो 24 आता है, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 आता है। मतलब 18 डेज में, 18 डेज में ये काम फिनिश कर देगा कैरी, अगर अकेला मिलकर अकेला काम करता है तो। 18 दिन में इसका काम हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगले पार्ट की वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।